हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑक्सीमीटर के बारे में। ऑक्सीमीटर आप ही लोग के लिए पर्सनली मैं लाया हूँ खरीद के, ताकि आप लोग सीख सके। दोस्तों माय डियर व्यूअर्स, मैं ऑक्सीमीटर लाया हूँ। देखिए ऑक्सीमीटर, ये पल्स ऑक्सीमीटर है, अच्छा काम करता है। देखिए इसका रेट जो हमको पड़ा वो 150 रुपीज़, यानी कि 150 के लगभग में पड़ा है। इसको खोल के भी दिखा देता हूँ कि क्या बैटरी वटरी है। देखिए इसमें आपको 2 बैटरी भी मिलता है दोस्तों। बैटरी भले अच्छा कंपनी का नाम मिला हो, लेकिन अच्छा से काम करता है। और देखिए इसका जो यूज होता है, किस तरह से होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। इसका जो यूज है, ऑक्सीमीटर का जो यूज है दोस्तों, वह जैसे कि कोरोना काल में हमारे महामारी जैसे कि छाए हुए थे कोरोना काल में, जो ऑक्सीमीटर का यूज जो हुआ, इसका इसका जो रेट हो गया था वो 3000 से प्लस हो गया था दोस्तों। और जो अभी इसका रेट है वो यानी कि 150, 250, 500, मैंने 500 रुपये में लिया है दोस्तों, आप ही लोगों के लिए दोस्तों। और मैं जो महामारी छाई हुई थी यहाँ पे, वहाँ पे हर जगह जैसे लाखों आदमी बहुत से, ऐसे तो मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि फिर से कभी ऐसा युग ना आए जो जिसमें ऐसा हालत हो। तो छोड़िए, मैं आज बातों को जिया ना करते हुए खजाना करते हुए मैं इस जो ऑक्सीमीटर है इसके बारे में बता जा रहा हूँ। जो हमारे हार्ट है, जो हमारे हार्ट धड़कता है वो पल्स रेट, यानी कि जो ब्लड चलता है, यानी ब्लड जो हमारे ब्लड है, ब्लड यानी कि ब्लड ब्लड में यानी कि इंक ही समझ लीजिए, वेनस है। और इसमें जो ब्लड जा रहा है आर पार, जो सर्कुलेशन हो रहा है दोस्तों, उसमें जो ऑक्सीजन का लेवल कितना है वही मापने के लिए इसमें जो बताया जाता है दोस्तों। तो आइए मैं इसको चालू करके आप लोगों को बता देता हूँ कि किस प्रकार चालू होता है और कैसे चालू होता है दोस्तों। देखिए ये हो गया ऑक्सीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे एक वाइट सा बटन दिख रहा है, उसका आपको पुश करना होगा। इसके बाद ये कुछ मूव होगा, ठीक है। इसके बाद आपको अपना फिंगर यहाँ पे रेड जलेगा और अंदर डालना, इसके बाद छोड़ देना दोस्तों। इसके बाद देखिए थोड़ा मेरे वेट कीजिए, देखिए कितना आता है आपका। इसके बाद मैं बताऊँगा कि ये नॉर्मल है, एब नॉर्मल है, कैसा है। देखिए मेरा 99 और जो पल्स रेट है मेरा यानी कि 81, यानी कि 81 है, ठीक है, 81 99। तो दोस्तों ये मेरा नॉर्मल है दोस्तों। माई डियर व्यूअर्स, इसी तरह मैं और वीडियो बनाते रहूँगा, कभी ग्लूकोमीटर का, कभी इस तरह से आप लोगों की सहायता के लिए दोस्तों। तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।